श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामी गुरु हिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमात्रिवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सत्तीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलित पादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय जात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा गोविंद जी की सेवा में विराजमान गुरुदेव ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी जी महाराज के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव कृपा करो। समुपस्थित वैष्णव वृंद सबको मैं यथा योग्य अभिवादन साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज रामनवमी तिथि है, गुरुदेव का शुभ आविर्भाव दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आज आविर्भाव है। चंडीगढ़ में हम लोग जब मठ में आए थे 1986 में, उस वक्त गुरु जी की आविर्भाव तिथि को कोई नहीं जानता था। बहुत खोजबीन करके 92 में पहला आविर्भाव तिथि के बारे में मालूम पड़ा कि रामनवमी तिथि गुरु जी की प्रकट तिथि है। तो सब हर्षोल्लास से मनाने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव की लीला को जहाँ तक देखा है जहाँ तक समझा है वो सारा अगर याद करता हूँ तो कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। अगर सारा याद करूँ तो कुछ भी नहीं बोल पाऊँ, कैसे आया कैसे मिला क्या उनका संदेश कब क्या उन्होंने बोला। तो
समय को देखते हुए 15 मिनट तो कितना बोलना है? जब तक भोग लगता है तब तक बोलो ना, क्या जाता है? भोग आरती वगैरह नहीं होगी? होगा ना। अच्छा, वही तो 15 मिनट। ना 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 ना, बोलिए आरती तक बोलिए। भक्त वत्सल नहीं होगा? गुरु महाराज जी को खैर, जब पहली बार गुरुदेव से वार्तालाप का मौका मिला था तब, और गुरुदेव से जब गुरुदेव की पूजा की जो तिथि आई जिसमें पहला आविर्भाव तिथि मनाया गया, तब एकदम समानता, उसमें कभी भी कोई भी ऐसा नहीं देखा कि गुरुजी बदल गए। हम लोगों का, हम बचपन में अलग तरह के हैं, जवानी में अलग तरह के, थोड़ी उम्र होती तो अलग तरह के, हमारा व्यवहार बदल जाता है। गुरु जी का व्यवहार जो मैंने बचपन में तो कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन लगभग 13-14 साल की उम्र में जब गुरुदेव का पहले संग हुआ उस समय और अंतिम लीला तक, एक जैसा ही स्वभाव, एक जैसा ही व्यवहार, एक जैसा ही आचरण देखा। क्योंकि यह आचरण जो है ये नित्य सिद्ध आचरण है, ये ऐसे आचरण नहीं है कि जो किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किसी को अनुभव होने के बाद बदले जाए, ऐसे नहीं। नित्य परिकरों की ये एक विशेषता होती है, जो भगवत धाम से आते हैं उनके अंदर, और जो साधन सिद्ध जीव हैं, जो अभी साधन करते करते इसी जन्म में सिद्धावस्था में पहुंचे हैं, उनके जीवन में बड़ा अंतर देखा जाता है। जो उस जगत से आते हैं वो भी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक जगह लिखा है, वो भी, वो लोग मैक्सिमम उन्हीं को भेजा जाता है जिनको पूर्व अनुभव हो। क्योंकि जो नित्य परिकर, नित्य धाम के परिकर हैं, उनको अगर भेजा जाएगा, उन्हें इस जड़ जगत में अज्ञानता का कोई पहला एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो उन्हें इस जगत में कैसे निकलना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। तो इसलिए नित्य सिद्ध परिकर जब हम कहते हैं, इसका मतलब है कि कभी गुरुदेव ने ऐसी लीला की होगी कि वो आए और आते ही महाप्रभु के गण आए, महाप्रभु के गणों के साथ वो भी साथ में उनके लीला में प्रवेश कर गए, जब आए आके प्रवेश कर गए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो। मेरा एक अनुभव है और ये सिद्ध है बात कि जो उधर से आते उनका व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है, उनका आचरण में कोई बदलाव नहीं आता है। तो गुरुदेव को जब पहली बार मिले थे हरिनाम के समय में, जब वार्तालाप हुआ, मिले तो उनको जन्म से पहले से, लेकिन उस समय गुरुदेव का दर्शन करके, प्रणाम करके, हरिनाम का जब समय था, एकादशी के दिन गुरुजी हरिनाम देते थे, रामनवमी के बाद जो एकादशी आती है, मतलब रामनवमी के दिन हरिनाम देते थे। रामनवमी की तिथि में हरिनाम होता था, एकादशी में दीक्षा होती थी, और कई बार लोग ज़्यादा नहीं होते थे तो एक ही दिन में होती थी। उसमें गुरुजी को प्रणाम करके जब मैं बैठा, तब गुरु महाराज जी ने मुझे हरिनाम सुनाना चाहा, बोले हरे कृष्ण। तो मेरे को महामंत्र आता था, मैंने कहा हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं, अरे सुनो, जैसा हम बोलेगा ऐसा बोलना, हरे कृष्ण, मैंने हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे हरे। तो मैं उसमें, गुरुदेव ने एक अद्भुत बात कही, और मुझे नहीं लगता है कि ये बात
किसी और को कही होगी, अगर कही हो तो मैं इस बात को शेयर करना चाहूँगा, तो मुझे भी बताए कि हाँ किसी और को कही है। मैं अपने आप में सोचता हूँ शायद नहीं कही, लेकिन गुरु जी कहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ जानते हो? मैंने सिर हिला दिया नहीं। तब गुरु जी ने हरे का अर्थ, कृष्ण का अर्थ और राम का अर्थ करते हुए समझाया कि ये अर्थ सब जगह बोलना नहीं, ठीक है। फिर गुरु जी बोले इसमें जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसको राम भक्त जो है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, वहाँ कृष्ण बोलने से भी कौन है वो? वो तो राम भक्त है, अनन्य भक्ति करते, तो कृष्ण बोलने से वो क्या है? वहाँ पर जब पुष्प वाटिका में जनकपुरी में श्री रामचंद्र पुष्प चयन करने के लिए गए, वहाँ सीता जी के मन को आकर्षण करके कृष्ण अण मूर्धना आनंद दायिनी सत्ता और आनंद प्रदान जो करते हैं वो कृष्ण, कौन है वो कृष्ण? मैंने कहा तो राम जी हैं। कहते हैं हाँ, यहाँ पे एक कृष्ण का अर्थ जब राम भक्त होगा उसको सीता राम जी दिखेगा, समझा? तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद गुरु जी ने ये अर्थ कहीं नहीं किया किसी के सामने, तो पहली बार में ये पहला एक दिव्य उपदेश। फिर गुरु जी इसको हरिनाम करना, ठीक है करेगा, चाय तो नहीं पिएगा? नहीं पीऊँगा, मैं चाय बहुत पीता था, एक दिन में 10-10, 15-15 कप चाय पी जाता था। यूपी भाई साहब की चाय की दुकान भाई साहब ने भी की थी, और जहाँ भी जाता था पहले 1/2 आता था, इतना बड़ा गिलास होता था उसके 2 गिलास। तो नहीं पीऊँगा, ठीक है। कितना माला करेगा? मैं चुप, मैं क्यों बोल? ऐसा है, उपवास नहीं देना माला को, कुछ नहीं होगा, थोड़ा करना, धीरे 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 उसको बढ़ाना, समझा? हरिनाम हो गया, लेकिन मेरा मेरे गुरुदेव के प्रति निष्ठा नहीं थी उस वक्त, उस समय। हरिनाम के बाद में भी मेरे मन में थोड़ी सी असंतुष्टि रही कि मेरा गुरु जी से है 13.5 साल, 86 में मेरा हरिनाम हुआ, 86 में ही मठ में आया, अप्रैल में हरिनाम हुआ, नवंबर में मठ में आया, तो नवंबर में मेरा जन्म, तो मतलब 13.5 साल समझो, तो बचपना था, क्या बोल रहा था? हाँ, गुरुदेव के प्रति वो निष्ठा नहीं थी, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मेरे को गुरुजी से हरिनाम नहीं मिला, मतलब मैं परम गुरुजी को गुरुजी बोलता था, परम गुरुजी की गोद में खेले, परम गुरुजी हमको संतरा दे करके खेलते थे, वो सब बातें याद आती हैं, तो वो एक असंतुष्टि सी मन में थी। लेकिन फिर मठ में आ गया, मठ में आने की भी घटना है, वो छोड़ देते हैं उसको, और जब मठ में आ गया, मठ में आकर के गुरु महाराज जी फिर रामनवमी कार्तिक में मठ में आया था, रामनवमी में गुरु जी आए और बड़े प्रसन्न हुए देख करके, तुम आ गया? मैं कहा हाँ जी, ठीक है, सेवा करना, ठीक। गुरु जी की हरी कथा में बैठने, कथा में रुचि थी मेरी, सुनने में बड़ी रुचि थी गुरु जी की कृपा से, और मैं शुरू शुरू में लिखता भी था, गुरु जी बड़े प्रसन्न होते थे कि लिखता है, ये मतलब बहुत होशियार होगा।
मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था लिंक बनाने के लिए। वो श्रीपाद पूज्यपाद विष्णु महाराज जी ने मेरे को, मतलब उनको देख करके मैंने सीखा था लिखना, उनका लिंक बनाने का तरीका देख करके। तो जब गुरु महाराज जी चंडीगढ़ मठ में हैं और गुरु जी रामनवमी का तिथि आया, राम जी के बारे में बोला, गुरु जी के बारे में हम जानते नहीं थे आविर्भाव क्या है क्या नहीं है कब है, और तब हम लोग थोड़ा सा, मैं अपनी बात बोलता हूँ, थोड़ा लड़कपन ज़्यादा था, इधर कूद उधर कूद, इधर भाग उधर भाग, मतलब हाइपर एक्टिव जिसको कहते हैं, बंदर की तरह उछलना कूदना था, मतलब कोई ऐसा धीर स्थिरता नहीं थी, लेकिन कथा में सबसे आगे बैठता था। ये गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था, और जब गुरुजी को प्रणाम करने जाता, सुना कुछ समझा, हाँ जी क्या सुना, तो मैं कुछ कुछ बोलता था, बड़ा अच्छा लगा, आज वो चीज़ें याद करके बड़ा अच्छा लग रहा, कुछ कुछ बोलता था, ज़्यादा नहीं। तो उस समय में मेरे मन में ये जो प्रश्न था कि गुरुजी से मेरा हरि नाम नहीं हुआ, महाराज जी से हुआ, ये जो मेरा प्रश्न था, इसका एक स्वप्न आया, मतलब उस वक्त वर्तमान में नहीं था जिस वक्त ये स्वप्न आया, लेकिन एक था दिमाग में कहीं, स्वप्न आया कि परम गुरु जी बहुत बड़े से हैं, बहुत बड़े, मैं इतना सा हूँ, परम गुरु जी आए और मैं ना पानी की एक पाइप लेकर के बिना बात के पानी बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ, बड़ा तेज पानी चल रहा है मोटर से, ऐसे फेंक रहा हूँ। तो परम गुरु जी नीचे बैठे, बैठ के बोलते, ए क्या करता है तुम, जल नष्ट करता है, ये तो महाप्रभु का वस्तु है, नष्ट नहीं करना, ठीक है छोटा सा, ठीक। तब देखा गुरु, परम गुरु जी में गुरु जी आ गए, और फिर गुरु जी का विग्रह जैसे मर्ज होता है ना, ऐसे परम गुरु जी आ गए, फिर गुरु जी आ गए, मैं देख करके, इतने में घंटियां बज गई, टिंग 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 टिंग, मटकी घंटी सवेरे वाली। तब मेरे उस दिन से मेरा गुरु जी के प्रति एक अलग निष्ठा हुआ। अब तो परम गुरु जी के प्रति इतना, मतलब कोई विशेष अनुराग नहीं है, मतलब अब, मगर वह दिखलाया गुरु महाराज जी ने, अद्भुत। तो उस समय गुरु महाराज जी के साथ में कुछ समय रहने का मौका मिला, बहुत सी ऐसी घटनाएं जो आचरण में हमारे आनी चाहिए उनको देखा। गुरु जी से कोई भी बड़ा गुरु भाई, मतलब अगर वो 6 महीने पहले भी आए हैं, जैसे उपानंद प्रभु गुरु जी से पहले आए थे, गिरी महाराज गुरु जी से पहले आए थे, दामोदर महाराज गुरु जी से पहले आए थे, तो और क्या नाम था उनका, सागर महाराज ना, आश्रम महाराज गुरु जी से पहले आए थे, इवन कि त्रियाश्मी महाराज जी गुरु जी को पहले दर्शन किए थे, आए नहीं थे मठ में ना, मठ में बाद में आए थे, हैं मठ में आ गए थे, मेरे को तो उन्होंने बोला, कहते कि मैं ग्वालपाड़ा में गुरु जी से पहले मिला, लेकिन मठ में तुम्हारा गुरु जी पहले आया, लेकिन वो मेरे को बोलते आप पहले मिले रूप सनात गोस्वामी की तरह, आपको बोला नहीं तो, लेकिन क्योंकि बहुत छोटे थे ना, हाँ छोटे थे तब भी, तो जो भी है, तो इस प्रकार से महाराज लगभग जो है ना 13-14 साल की उम्र में मठ में आए, अपने बड़े गुरु भाई का उनकी मर्यादा को छोड़ के आगे नहीं गए, ये अद्भुत एक देखा। मैं मेरे को स्टेज पे, पहले वो तख्त की स्टेज लगती थी, पहले सीमेंट वाली नहीं थी चंडीगढ़ मठ में, तो तख्तों को हम नीचे से बांध बूंद करके स्टेज लगाते थे, ऊंची सी होती थी तख्त, हाँ आपने भी देखी है वो, अच्छा हाँ, उनको इकट्ठा करके। तो वो उस वक्त ना गुरु महाराज जी के लिए थोड़ा सा, गुरु जी लगातार बैठते हैं बहुत देर तक, तो
गोस्वामी बाबा जी महाराज कृष्णेश्वर बाबा जी महाराज कृष्ण उनका, तो उनका आसन लगाया उधर, गुरु जी का आसन थोड़ा। अब गुरु जी तो आएंगे इन सबके साथ में आएंगे, गुरु जी का आसन ऊंचा देखे, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला किसी को, फट आसन उठा उधर फेंक दिया। तो सब लोग बोले अरे महाराज आसन लगा। तो हमारे केशव प्रभु जी जो है ना, उन्होंने एटना अपना आसन उन्होंने दिया एटना आके अद्भुत देखा। मतलब जब वो ऊपर बैठ गए तब गुरु महाराज जी एक साधारण से आसन पे, बिल्कुल ऐसा आसन उसके ऊपर बैठे, और वो आसन हम लोगों को उस शनील का कपड़ा होता है ना पतला सा, उसके आसन हुआ करते थे, जो शनील का कपड़ा होता ना, साधारण कपड़े का आसन। बैठ करके अब सभापति का आसन गुरुजी को लेना पड़ेगा, सभापति बनना पड़ेगा। उसके लिए पहले व्यक्ति बोलता था, एक गुरुजी मतलब बड़े गुरु भाई बोलते थे, मैं जो है आज के सभा के सभापति के रूप में भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज को मनोनीत करता हूँ कि वो आज की सभा के सभापति हों। तब गुरु जी कहते मैं स्वीकार करता हूँ। क्या मर्यादा थी, अद्भुत। ये सारी चीजों को आज याद करके ऐसे लगता है कि वास्तविकता में जो ये शब्द उस बधाई के अंदर आए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा आज गुरु रूप से आए। तो खैर उनको देखा, और हमने गुरु अपने कमरे में प्रसाते कब देखा था, कब शुरू हुए थे गुरु जी, गुरु जी अपने कमरे में पहले प्रसाद नहीं पाते थे, पहले लाइन में बैठते थे, सबके साथ में बैठते थे, और कलकत्ता में तो बहुत दिनों तक लाइन में बैठते थे। यहाँ तो आचार्य बोल करके ये शांति प्रभु लेके जाते थे, पहले बुदारी प्रभु थे, लेकिन जब मैं आ गया था तब शांति प्रभु आ गए थे तो लेके जाते थे। गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि नमक है मीठा है या कुछ भी, कभी भी नहीं बोला। दूध पहले लेते थे, तो जब दूध लेते थे एक बार क्या हुआ, गुरु जी के दूध में नमक आ गया, नमकीन दूध, चीनी की जगह नमक पड़ गया। और नमक वाले दूध को शास्त्रों में कहते हैं गोमांस। क्यों कहते हैं, छोटा सा लॉजिक है इसका, क्योंकि जब गाय बच्चे को जन्म देती है उस वक्त गाय के दूध में खून मिलकर के आता है और वो नमकीन होता है, इसलिए उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये सदृश है। तो उस वक्त गुरु जी का गुस्सा देखा, आंखें बड़ी बड़ी, गुरु जी की वैसे भी आंखें ना आसाम का शरीर होने के नाते जैसे हमारे आंखों के खड्डे ज्यादा है ना, गुरु जी के खड्डे कम थे, थोड़ा आंखें बड़ी, एकदम ऐसी आंखें हो गई बाहर को, कौन दिया इसमें हमको, एक दिया दूध दिया। ओ जी, देने वाला कहाँ पे मालूम नहीं, गाय का दूध में नमक दिया, भगवान को भोग दिया, बुद्धि नहीं है, बहुत गुस्से में। अच्छा वो गुस्सा जो है गुरु जी का, मैंने हैरान हूं, ऐसा मैंने ऐसा गुस्सा नहीं देखा, ऐसा गुस्सा कि गुस्से के दूसरे क्षण में ही कोई दूसरा विषय आया तो गुस्सा नहीं है, खत्म। मतलब वो प्रसाद, उसके बाद प्रसाद पाया, प्रसाद पा करके नॉर्मल बिल्कुल, मतलब उसके बाद में ना तो हरिकथा के अंदर चर्चा हो रही है ना कहीं और चर्चा हो रही है, ऐसा अद्भुत गुरु जी का वो देखा। तो गुरु महाराज जी एक बार कीर्तन कर रहे थे, श्री दूटी कथा भूलो ना सर्वथा, करो उच्च स्वरे हरि नाम रो। हमारे पूरी महाराज जी को ये वाला ताल बजाना नहीं आता, और मृदंग के लिए मैं था, मैं भी नया था तब, खैर
तब तो हो गए थे कुछ दिन, तो मैं बार बार जाके पुरी महाराज जी के पास में इशारा कर रहा हूँ, गुरु जी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आखिर में गुरु जी बोलते बजाना नहीं आता, छोड़ दो। अब गुरु जी बेचारे दंड भी पकड़ा हुआ है, बीच में कांसा भी लिया हुआ है, दंड के साथ कांसा लेके उसको बजा रहे हैं खड़े होकर के, कीर्तनगर मतलब उसके बजाते हो। मैं गुरु जी जब कीर्तन करते थे, गुरु जी पूरी तरह भूल जाते थे इस दीन दुनिया को, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। कीर्तन में गुरु जी का एक अद्भुत स्वरूप दर्शन किया, गुरु जी की आँखें ऐसे ऊपर हो जाती, ये जो है ना सफ़ेद सफ़ेद दिखता था और ऊपर हो जाते, कई बार ऐसे देखते ऊपर ही देखते रहते, अद्भुत अद्भुत। तो उस कीर्तन के अंदर गुरु महाराज जी बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, मेरी तरफ इशारा क्या कर रहे थे, और क्या है महाराज जी वो निर्जन भजन केवल कई तब, हाँ प्रतिष्ठा रो तोरे निर्जने रो घोरे मैं तव हरि ना ना केवल कहित है ना, तो तव हरि नाम केवल कहित प्रतिष्ठा। अच्छा मेरे अंदर ये है, मैंने किसी को तब तक नहीं बतलाया था। मेरे को हमेशा से लगता था कि ये मठ में रहना झंझट है, मठ में रहने का मतलब ही झंझट, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई गोई माता को दे दो, गिरिराज जी को दे दो, गाय माता को दे दो, यहाँ दे दो, जैसा भी पुजारी जी ये दृष्टि भोग रख देना। ये प्रसाद मिला भी देना उसे, अभी हो जाएगा। आज तो उस सब नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पुलिस वाले जो हैं वो गांव-गांव में जा कर के जहाँ खाने को, तो आज गुरुदेव की तरफ से एक उत्सव जो है उन सब के लिए दिया है, तो भोग आया था। एक टू पर ही नहीं जावे हाँ सही दूटी कथा मेरे अंदर में था कि मैं मेरे को 6 महीने मिल जाए, बस ऐसा मिल जाए मैं ध्रुव जी की तरह भजन करूँगा, भगवान को धरती पे उतार लूँगा, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊँगा, बैठा रहूँगा हरिनाम करूँगा, उनको आना ही पड़ेगा जब मैं जाऊँगा, ऐसा मेरे मन में बचपन से था। तो ये अंदर है, इस बात को मैंने गुरु जी से नहीं बोला, किसी से भी तब तक प्रकाशित नहीं किया था। गुरुदेव उस वक्त जो डंडा लेकर के मार रहे थे ना सही मतलब वो आज भी याद आता है, लेकिन क्या करें, संस्कार दो संस्कार हैं निर्जन के। तो वो कीर्तन में गुरु जी का ऐसा आवेश देखा, आखिर में उसमें है करो उच्चे स्वरे हरि नाम रो प्रभु सनातने परम यतने शिक्षा दिला जहाँ चिंतो सही सब सही दूटी कथा भूलो ना सर्वथा करो उच्च स्वरे हरि नाम हरि कृष्ण हरि कृष्ण। अच्छा गुरु जी अकेले कासा बजा रहे हैं, तब तक जो है करताल बजाने वाले वो क्या नाम उनका मोटे से थे अनंत प्रभु वो हैं, फिर वो आए वो कह रहे सचिदानंद प्रभु वो लोग आए, तब ये नहीं आते थे श्रीकांत प्रभु वगैरह, और तब अमरेंद्र प्रभु का भी तब आना कम था। हाँ तो आनंद प्रभु क्या नाम उनका आना कम था अमरेंद्र प्रभु का, तब वो नहीं आते थे क्योंकि वो लीला चल रही थी मंगल महाराज जी की।
योगेश्वर को तो बाद मतलब आते थे, लेकिन तब लीला शुरू हो गई थी। हाँ लीला शुरू हो गई तो वृंदावन बिहारी लाल की, पतित पावन श्रील गुरुदेव महाराज की। इस प्रकार से गुरु महाराज जी का हम लोगों ने जो आदर्श देखा, जो आचरण देखा, जो समर्पण, उसको याद करते हुए कई बार रोमांच होता है। पहला आविर्भाव तिथि गुरु जी की जो मनानी थी, जहाँ तक मुझे याद है 92 की बात है, हमारे राजेंद्र मिश्रा जी ढूंढ करके लेके आए थे कुछ डेट, उनको पढ़ने में बराबर से उनको ज्ञान नहीं था कि बंगला में क्या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो उसके कारण उन्होंने 24 बोला था, लेकिन वो 24 नहीं था, 14 थी, 14 अप्रैल 1924 13 और 14 दो दिन रामनवमी थी, 13 को भी थी 14 को भी, जो हो। पहली आविर्भाव तिथि में हम लोगों ने, मीन्स सब लोगों ने, कि अब गुरु जी का आविर्भाव मनाएंगे, कुलदीप प्रभु जी, हमारे पंजाब से बहुत भक्त लोग जाते थे, पुरी महाराज जी को तैयार किया, महाराज जी ऐसे ऐसे गुरु जी का जन्मदिन है, हाँ हाँ करेंगे चलो। पुरी महाराज जी हमारे, पुरी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो उन्होंने शुरू करवा दिया, बहुत सहायता की। पुरी महाराज जी जैसा जो गुरु जी को मतलब प्रचार, पंजाब प्रचार में जो उत्साह देने वाला कोई था ही नहीं, पुरी महाराज जी थे जो कि गांव गांव जा कर के, शहर शहर जा कर के प्रोग्राम्स करते थे, और बाद में गुरु जी को जो वहाँ लेके जाते और गुरु जी से हरिनाम करवाते, हमारे पुरी महाराज, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज। तो हाँ ठीक है चलो। अच्छा अब गुरु जी को खबर तो हो गई, क्योंकि गुरु जी के कमरे के बाहर जो है फूल सजाए हुए हैं, कहता आज हमारे कमरा का बाहर क्या किया हुआ है, सब क्या है। नीचे आए, नीचे आकर के प्रणाम किया, मंच पे बैठे, हरि कथा होगी, हरि कथा में गुरु जी हरि कथा करेंगे, उससे पहले पूजा का थाली थूली लेकर के पहुँच, क्या हो रहा है महाराज जी आपका, पूरी महाराज यहाँ बैठिए, आप बैठिए यहाँ पे। पूरी महाराज गुरु जी के बराबर के हैं, मतलब 2-4 साल आगे पीछे हैं, जैसे कई बार दामोदर महाराज मेरे को जबरदस्ती करते हैं, ऐसे जैसे मैं मतलब मैं अपने बड़े गुरु भाइयों को जैसे कई बार जबरदस्ती का, ऐसा प्यार वाला है, बैठो आप, क्या बात क्या है, हमारे आपका आविर्भाव है, ना 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 हमारा नहीं है, रामचंद्र जी का आविर्भाव है, हमारा नहीं है, हमारा जन्म तो जन्म नहीं है, ये तो है ही नहीं, हमको नहीं मालूम तुम। गुरु जी कहते हैं कुछ गुरु भाइयों ने सुन लिया था, 24 आउट हुई थी वो 14, तो उसमें कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि 24 को रामनवमी नहीं थी, लेकिन वो थी 14 ही, क्योंकि वहां जाता ऐसे करके होता है एक, ठीक है, तो वो इनको दो लगा, और ऐसे करके जो है चार होता है, इनको ऐसे चार लगा, ऐसे 24 उन्होंने देखा। तो खैर जो, तो वो तब गुरु महाराज जी ने गुस्सा किया, पूजा भी नहीं करने दी, नहीं नहीं करना, तो पूरी महाराज बोले हम बोलते हैं, तो ए, ऐसे हाथ पकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए, करो करो। तो गुरु जी की आरती, गुरु जी का अच्छा ठीक है, पहले ठाकुर जी का आरती करो, गुरु जी का करो, फिर ठाकुर जी का किया, गुरु जी का किया, करने के बाद गुरु जी की आरती, गुरु जी जो कीर्तन गा रहे हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु, कोई भी कीर्तन था मेरे को याद नहीं, कृपा बिंदु दिया, गुरु जी बोलते कृपा दिया करो ए दासे, गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं, मतलब गुरु जी अपनी आरती में कीर्तन को स्वीकार ना करके कीर्तन को अर्पण कर रहे थे, नहीं समझे। उसके बाद अब चरण धोने की बात, थाली थूली सब कुछ है, कौन चरण धोने देगा,
ओहो, पूरी महाराज जी ने गुरु जी जबरदस्ती खोले जोर लगा के, और दोनों का जोर लग रहा है पूरा, तब गुरु जी जवान है। तो जो यहाँ का लोगों के हम जो यहाँ के लोगों को बनना है वो यहाँ निकाल के, तो ऐसा परिक्रमा का पूरा राउंड लगाए दे रहे हैं, रिक्शा में रख के ले जा रहे हैं हमारा, जैसा भी आपकी इच्छा है। रिक्शा रिक्शे में जो क्या नाम है वही से जाना भी होगा, तो वही उनके लिए कर देंगे है ना। सही है, आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ के लिए हम लोग नहीं, हमारा व्रत है। कॉलोनी वालों को दो, कॉलोनी वालों को। गुरु ना अलग अलग भाग, वो अवश्य ही वो मतलब थोड़ा सा डरपोक थे, लेकिन मतलब अपने बड़े गुरु भाई को वो भी नहीं कुछ बोल सकते थे उस दृष्टि से बोल रहा हूँ, नहीं तो गुरु जी के लिए उनका बड़ा ऐसा वो था, निष्ठा थी। खैर जो हो, तो पूरी महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी, हाँ वहाँ उसको ख़त्म कर दूँ। तो पूरी महाराज जी ने ना इतना सा गुरु जी का कपड़ा हटा दिया, इतना सा, गुरु जी खींच रहे। वो कौन था वहाँ पे मेरे को याद नहीं है, उसने रुमाल लिया और रुमाल को ऐसे छुआ करके, किला करके छुआ करके, सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। और इस प्रकार से गुरुजी के पैर चरण पहुँचने वाला सिस्टम जो है हमारे कितने सन तक चला था, मेरे ख्याल 2011-12 है ना, 10 तक तो चला ही है पक्का, 10 से आगे तक चला है। जो कलकत्ता में हुआ वो पहला हुआ है, 2010 का ही है, 10 है। 2010 तक श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरणों को थाली में रखने ही नहीं दिया, थाली तो छोड़ो, चरणों के ऊपर जल डलने ही नहीं दिया। क्यों, आसाम प्रचार में जाने से लोग चरण धोते? नहीं, गुरु जी ने नहीं धोने दिए। वो क्या करते फिर उसमें, गुरु जी बोलते, कहते आसाम में जाने में से तो मुश्किल हो जाता है, वो लोग तो हम तो देता नहीं, वो लोग बहुत चतुर लोग हैं, वो क्या कहता, वही रोड पे डाल देगा पानी। हाँ, रोड पे जल डाल दिया, अब तो जाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर से जाता, वो पीछे से लेता है। ऐसा करने में भक्त को कष्ट नहीं होता, ये गुरु जी बोलते थे, नहीं समझे? मतलब गुरु जी उस चीज़ को समझाने के लिए कि भी मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है, तो वो गुरुजी कहते पीछे से लेने से पड़ता तो उसे कष्ट नहीं होता, सामने से जोर जबरदस्ती करके हम उनका चचन होगा ऐसे करेगा, ये सब ठीक नहीं है। ऐसा देखा 2010 तक, मतलब अरे कितना जोर लगाया। अच्छा, जब तक गुरुदेव के शरीर में अपना ताकत थी ना, गुरुजी ने चरण नहीं धोने दिए ना। वो क्या नाम नाम था महाराज जी का, त्रिविक्रम महाराज जी, वो सिंहासन पे बैठे, कहते पहले इनके धो, कहते हम क्यों, हमारे को धोएगा? उनका पूजा करो। वो फिर आखिर में गुरुजी सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, अब गुरुवर्ग के सामने सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, लाओ तो नीचे अब बैठेंगे। आखिर में महाराज जी को जाना पड़ा, उनको पहले ऊपर बिठाया, हाँ, और गुरु जी नीचे बैठे। बाद में त्रिविक्रम महाराज जी को जगह छोड़ के कमरे में, त्रिविक्रम महाराज जब कमरे में गए तब जबरदस्ती करके गुरु जी को प्रथम बार 2010 में सिंहासन पे बिठाया। सिंहासन पे तो पहले भी बैठे थे मगर सेवा के लिए, पूजा के लिए, पूजा हुई। त्रिविक्रम महाराज 2006 में चले गए थे, ये जो सिंहासन वाली जो घटना है 2004 की है कलकत्ता की, तो उसमें तो वो तो वो अभिषेक की नहीं है ना, अभिषेक नहीं, ये सिंहासन वाली अलग बात है, सिर्फ सिंहासन की बात है। हाँ हाँ हाँ, आरती वाली है, ठीक है।
गुरु जी जो है 2003 के बाद तो वैसे 2007-08 तक तो गुरु जी चंडीगढ़ भी नहीं गए थे रामनवमी में, वो 2004 गए थे, पूरा मठ को फूलों से सजाया था। हाँ हाँ 2005 में पाँच तीन चार जो है चार इस तरफ नाना व्यास पूजा की बात कर रहा हूँ, गुरु जी का व्यास पूजा जिसमें त्रिविक्रमार्य जी प्रकट थे, पाँच पाँच की बात है, पाँच 80 साल गुरु जी को 80वां साल था, 2006 में त्रिविक्रमार्य जा चुके। हाँ तो पाँच की बात है, मेरे को अब याद आ गया। तो उसमें क्या था, पूरा मठ को फूलों से सजाया था, पहली बार गुरु जी का आविर्भाव कलकत्ता में हो रहा था, मतलब रामनवमी तिथि में आविर्भाव मनाने वाले तिथि में गुरु जी का पहली बार वहाँ हो रहा था। तो हमने वो नीला से वो बनाया था पम्फलेट, तो अगल बगल के सब लोगों को बुलाया। उस वक्त गुरु महाराज जी को केवल आरती के लिए सिंहासन पर बैठना था, गुरु जी उसमें नहीं बैठे, एक सिंहासन लगाया था बोल करके। तो आखिर में महाराज जी वहाँ से चले गए, तब जाकर जबरदस्ती बैठे और आरती हुई और जो भी हुआ। इस प्रकार से गुरुदेव का एक दिव्य आदर्श, दिव्य आचरण, जो कि परम पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के द्वारा जो कि वर्णित है, जो कहते हैं गौड़ीय गगने वर्तमान एमन भास्कर नाई भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, तीर्थ महाराज भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, तिनी वर्तमान गौड़ी गगने एमन भास्कर नाई भविष्यते हवे एटाई आमार संदेह आछे। ये परमजपत पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य, परम गुरु जी के बड़े गुरु भाई, वो उनके बारे में बोलते थे गुरु जी। उन्होंने एक और बात बोली थी, तिनी तृणादपि सुनी चेने चेन श्लोकेर मूर्त विग्रह, ये तृणादपि सुनी चेन श्लोक के साक्षात विग्रह हैं। मतलब तृणादपि सुनी चेन श्लोक का अर्थ अगर समझना हो, कहने का मतलब, तो श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के आदर्श उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये है त्रिणादपि सुनिचन श्लोक। मतलब ऐसा होने से तब हरिनाम संकीर्तन होगा, तब कीर्तन हरि का होगा, नहीं तो अपनी कीर्ति का वर्णन कर रहा है, अपना ही गुण गा रहा है, तो अपने ही कलाकारी, अपने ही प्रतिष्ठा के लिए हम दिखा रहे हैं। वो कीर्तन तब होगा जब ऐसा आदर्श होगा, तो कहने का मतलब ऐसा। तो गुरु महाराज जी का अभी कहाँ कहाँ से कहाँ क्या बातें अचानक से आ रही हैं, कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। अगर देखा जाए तो 2003 में जब हमने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी परम गुरु जी का शतवार्षिक मनाने के लिए, तब गुरु महाराज जी ने बोला कैसे मनाओगे, 2002 की बात है, 2 में बात हुई थी बारे में कि गुरु जी का, मिश्रा जी और विष्णु महाराज और ये 2 जने थे जहाँ तक मेरे को ध्यान है, और मैं था। गुरु जी चंडीगढ़ मठ में गुरु जी से पूछा जा रहा है कि किया जाए, गुरु जी कहते कैसे शतवार्षिक करेगा। तो उस वक्त गुरु जी ने बोला 1904 में आविर्भाव हुआ, तो 2100वां प्रकट उत्सव होना चाहिए। तब विष्णु महाराज ने बोला महाराज जी ऐसे कैसे होगा, 1904 2004 तब 100 साल पूरा होता है। गुरु जी कहते ऐसे कैसे, वो तो प्रकट से प्रकट तिथि, ये तो 24/4/4 में हुआ तो 23 में पूरा होगा। कहते नहीं महाराज जी ऐसे तो समाज में नहीं होगा, समाज में समझा नहीं जाएगा, लोग समझेंगे नहीं, तो जो आप करो करो।
तब उस वक्त मैंने ये एक बात कही थी उस गुरुजी के सामने, नहीं बाहर आके मैंने कहा गुरुजी जब बोल रहे हैं तो उसे हम तीन को क्यों नहीं मनाते, तीन को अधिवास करो, चार को जन्म करो प्रकट, अधिवास प्रकट और पांच को महोत्सव तीन साल का कर दो। तब उस वक्त ये सजेशन मानने के बाद में तो हमारे विष्णु महाराज ने बोला ठीक है, तो तीन अधिवास, चार प्रकट और पांच का महोत्सव, इस तरीके से तीन साल तक वो परम गुरु जी का आविर्भाव मनाया गया। तो इस बार अभी लोग बाग ऐसे सोच रहे हैं 96 बोल रहे हैं कि गुरु जी का ये 96 ईयर्स है, लेकिन 96 ईयर्स तो ठीक है, 96 साल गुरु जी के ठीक हैं, लेकिन प्रकट महोत्सव ये 97th होगा। कैसे होगा? हम लोग जो पहला प्रकट उत्सव है रामनवमी तिथि में जब भगवान राम प्रकट हुए, गुरु जी प्रकट हुए, तो गुरु जी के माता पिता ने पहला प्रकट उत्सव मनाया कि नहीं मनाया? मनाया, जब रोने लग गए हाय क्या पैदा हो गया है? तो 1924 में पहला अगर होता है तो पहला माता पिता ने मनाया, प्रकृति ने मनाया, दूसरा हो सकता है परिजनों ने मनाया, तीसरा ऐसे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 10 साल। नहीं तो लोग क्या है 24 में जन्म हुआ तो 24 को छोड़ देते हैं, 25 गिनते हैं। तो ये मेरा एक कहना है, उस वक्त गुरुजी ने भी इसके बारे में बोला था और लोगों ने समझा नहीं उसको कैसे किया, ये आप सब लोग अभिगत है। मेरा ये मत है कि गुरु जी का आविर्भाव 24 को हुआ है तो 24 भी गिना जाए, गिना जाना चाहिए, अन्यथा कोई बात नहीं। तो 2003 में जब गुरु जी से हमने ये निवेदन किया था तो 3 में बड़ा जो ग्रैंड प्रोग्राम हुआ था वो बॉम्बे हुआ, बेंगलोर हुआ, कोची हुआ, फिर 4 में चंडीगढ़ इत्यादि हुआ, 5 में परम गुरु जी का उत्सव जो है मायापुर में हुआ, बहुत बड़ा उत्सव हुआ था शतवार्षिक उत्सव। तो उससे पहले एक घटना घटी, गुरु महाराज जी के पास में मैंने सारा प्रोग्राम लेके गया कि गुरु महाराज जी ऐसे 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 सारा व्यवस्था है, आप कृपा करें सब ठीक होगा। जब मैंने बताया कि गुरु महाराज जी इतनी तारीख को नगर संकीर्तन निकलेगा, मतलब 108 मृदंग लेकर के हम लोग निकलेंगे, तो गुरु जी कहते उस दिन तो बहुत मुश्किल होगा। मैं क्यों? ये बात सुनने वाली है, समझने वाली है, बहुत मुश्किल होगा। मैं क्यों? कहते वो तो वो लोग आएगा। गुरु जी के शब्द, एक एक शब्द सुनने वाला, वो लोग आएगा। मैंने कहा कौन लोग आएगा? कहते तो बहुत झड़ वृष्टि आएगा, सब उड़ जाएगा, सब उड़ा ले जाएगा। मैंने हाथ जोड़े, चरण पकड़ लिए, मैंने कहा गुरु महाराज जी लाज रख लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब गुरु महाराज बोले अच्छा, तो नगर कीर्तन करने के बाद में तो कोई असुविधा नहीं? मैंने कहा उसके बाद कोई असुविधा नहीं, ठीक है। उसके बाद नगर संकीर्तन हुआ, होने के बाद आपको याद है वो जब वो 2005 में जब हुआ था, एकदम तूफान आया था, हम लोग मुर्दों की तरह बीच में लेट गए थे। प्रभु जी नगर कीर्तन भंडारे वाले दिन नगर कीर्तन हुआ, भंडारा हुआ, भंडारा होते ही जैसे लोग गए, मतलब 4 बजे मेरा ख्याल, ऐसा तूफान आया, बड़े बड़े पेड़ गिरे अपने मठ के अंदर भी, इसको भी याद होगा, बड़े बड़े पेड़ गिरे और हम लोग जो है मतलब इतना हमको आनंद हुआ कि गुरु महाराज जी ने सारे का सारे सिस्टम को चेंज कर दिया। मतलब अगर वो नहीं, गुरु जी ने बोल दिया था वो तो सब उड़ा दे, वो लोग आएगा वो तो सब उड़ा देगा। मैंने कहा महाराज जी कौन आएगा? तो ऐसा अद्भुत गुरु जी का चरित्र है, क्या वर्णन करें। पांच चार प्रश्न